मैं हूँ, मेरे पीछे अल हरमेंट रेस्टोरेंट है और आज हम लोग अल हरमेंट रेस्टोरेंट के विजिट पर आए हैं। आप लोग इंट्रो देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फूड लवर कराची यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं कोरंगी का मशहूर कोरमा जो कि अल हरमेंट रेस्टोरेंट के ऊपर मिलता है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं इधर का कोरमा ट्राई करने और आज हम लोग आपको ट्राई करके रिव्यू भी करेंगे। और बस आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें, आपको मज़ा आएगा और एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये क्या बना रहे हैं आप? चिकन राइस। अच्छा, चाइनीज है? यस। तो चाइनीज भी इधर अवेलेबल है। अच्छा, इसके रेट क्या है वगैरह? 220। पूरा 220 का है? जी सर। आप वगैरह का? नहीं, 220 की प्लेट है। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए व्यूअर्स, आगे की तरफ चलते हैं। तो अभी जो आपने देखा वो चाइनीज बन रहा है, तो अब हम आपको रोल की तरफ ले आते हैं। इधर रोल वगैरह की मेकिंग होती है, तो ये बता दें रोल में क्या क्या होता है। रोल में चिकन रोल, चिकन चीज़ रोल है, बीफ रोल है, कबाब रोल है, मलाई बोटी रोल, बिहारी रोल, चिकन मैं गार्लिक रोल होते हैं। अच्छा, मतलब और टिक्के वगैरह में क्या क्या होता है? सारी बात टिक्का होता है, बीफ बोटी होती है, सीख कबाब होता है, ढाका कबाब, मलाई बोटी, बिहारी टिक्का, मलाई टिक्का, ग्रीन टिक्का, और उसके अलावा मलाई बोटी भी होती है, चिकन बोटी भी होती है, ग्रीन बोटी भी होती है, गोला कबाब होते हैं। सारी बारबेक्यू की वैरायटी है जी। मैंने बहुत शुक्रिया। आइए व्यूअर्स, आगे की तरफ चलते हैं। आप अभी जो आप लोग ये मेरे पीछे जगह देख पा रहे हैं, ये इधर की सेटिंग एरिया है, ये जेंट सेटिंग एरिया है। यहाँ पे जो लड़के वगैरह आते हैं उनको इधर सेटिंग कराई जाती है। और इसके अलावा ऊपर फैमिली हॉल भी है जो फैमिली वगैरह इसके लिए हैं। तो अब हम आपको फैमिली हॉल की तरफ लेके चलते हैं। आइए, तो अब हमारे साथ यहाँ के कस्टमर मौजूद हैं, तो हम उनसे ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो आपको जगह फूड कैसा लगा? यहाँ का फूड बहुत बेहतरीन है, खास तौर पे यहाँ पे कोरंगी लांडी के हिसाब से बेहतरीन सर्विस है। यहाँ के खाने का मेयार भी बहुत अच्छा है और एटमोसफेयर भी बहुत अच्छा है और सर्विस बहुत अच्छी है। आप यहाँ के देख सकते हैं कि कितना रश है यहाँ पे, कितने लोग आए हुए और इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। मतलब आपका ये कहना है कि इधर का टेस्ट बिल्कुल अलग है? डिफरेंट है, हाँ बिल्कुल, हर जगह से बिल्कुल, मतलब टोटली चेंज है। इनका जायका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ऐसा टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा व्यूअर्स, ये इनका ये कहना है। अच्छा, तो आपने क्या क्या ट्राई करा है? मैंने यहाँ पे अभी फ्राइड राइस लिए हैं, बच्चे हैं मेरे साथ, उनके लिए मैं जिंगर बर्गर लिया है और सीख कबाब वगैरह लिए हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है यहाँ के। और इसके अलावा मैंने जो है चिकन टिक्का लिया है, क्योंकि मैं बारबेक्यू बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ यहाँ का, बारबेक्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलें व्यूअर्स, आइए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ के मैनेजर मौजूद है, तो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। अच्छा तो आसिफ भाई, ये बताएं कि रेस्टोरेंट को ओपन हुआ कितना टाइम हो गया? ये जो रेस्टोरेंट है ये तकरीबन हमारे को 4 अक्टूबर को तकरीबन जो है रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, सही है। तो इससे पहले ये हमारा मच्छे वाली पुलिया पे रेस्टोरेंट था, वहाँ तकरीबन 3-4 साल चला है हम लोगों ने। अच्छा तो आपके कौरमे में ऐसा क्या खास बात है कि वो करंगी का सब में फेमस कौरमा है? बात यह है कि पसंद की बात है, लोगों को पसंद आता है हमारा जायका तो वो लोग आते हैं इधर। अच्छा इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें भी आप ऐड करते हैं, जैसे खोपरा डालते हैं कुछ लोग, बादाम वगैरह? वो तो मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है, फिर वो हमारे पकवान पे होती है। अच्छा। वो उसको जायके को जो है अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिशें करते रहते हैं, तो उनकी जो वैरायटियां हैं वो लोगों को पसंद आती हैं। अच्छा। वैसे आपके पास इस वाले रेस्टोरेंट में क्या क्या वैरायटी? यहाँ हमने फास्ट फूड रखा हुआ है, पिज़्ज़ा है, चाइनीज़ वगैरह के सारे आइटम मौजूद हैं, चाशलिक वगैरह। दूसरा बारबेक्यू हमारा शाम में अवेलेबल है 6 बजे के बाद। अच्छा रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? रेस्टोरेंट की टाइमिंग हमारी 12 बजे ओपन होती है और तकरीबन रात 1 बजे तक चलते हैं। अच्छा कोई सर्दियों का या गर्मियों का कोई आपके पास स्पेशल आइटम है? सूप वगैरह रखे हुए चाइनीज़ के अंदर हमने ना, तो सर्दियों में सूप वगैरह चलाते हैं, गर्मियों में आइसक्रीम वगैरह होती है। अच्छा चाइनीज़ फुल है या थोड़ी बहुत चीज़ें? चाइनीज़ का तकरीबन हमने वैरायटियां रखी हुई हैं, हाँ तकरीबन 12-13 वैरायटियां हैं जो लोगों को पसंद आती हैं, जो मतलब ज़्यादा चलने वाली वैरायटियां हैं, जो इस इलाके के हिसाब से जो है सूटेबल है। अच्छा अच्छा हमारे चैनल के रेफरेंस से कोई आएगा तो आप उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे? आएंगे तो इंशाल्लाह वेलकम है, बाकी ये है कि जो सेट की जो परमिशन होगी उसी हिसाब से हम उसको डिस्काउंट दे देंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। बस आप लोगों ने आसिफ भाई का इंटरव्यू देखा, तो आइए अब हम लोग अपनी वीडियो में आगे की तरफ चलते हैं। बस अब हमारे साथ यहाँ के एक स्टॉक के वर्कर मौजूद है ना, उनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा है। अच्छा तो मुस्तफ़ा भाई आप यहाँ के टेबल वगैरह की सर्फिंग देखते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा तो इधर ये सफाई वगैरह कितना टाइम है? सफाई टाइम रेगुलर होता है, सुबह रेस्टोरेंट खुलते ही सफाई करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद शाम टेबलें लगाने के बाद शाम टेबल 6 बजे फारिग जैसे होते हैं, उसके बाद दोबारा भी सफाई होती है। अच्छा मतलब सफाई का स्पेशल ख्याल है यहाँ पे? बिल्कुल सफाई का भी स्पेशल ख्याल है, और माशाल्लाह से सफीस की खिलाफ वर्जी भी नहीं होती, यहाँ हर वेटर मास्क लगा होता है, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। अच्छा अच्छा और ये ग्लव्स वगैरह ये मैंने देखे अभी जो अंदर वगैरह के छत में पहने हुए, ये तो मैंने देखा कि सफाई का काफ़ी ख्याल है, तो मतलब ये इधर सफाई मतलब होती है? जी बिल्कुल होती है, टाइम होती है सफाई यहाँ रोजाना, क्योंकि आज हर संडे को पूरी रेस्टोरेंट की सफाई होती है। वैसे आम दिनों में जैसे सुबह हम आते हैं तो बिल्कुल टेबलों की सफाई करते हैं, दीवारों की, पंखे वगैरह, ये हर डेली बेसिस पर सफाई होती है। मतलब SOPs की यहाँ पे पाबंदी है? बिल्कुल SOPs की बिल्कुल पाबंदी है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा भाई, शुक्रिया आपका। थैंक यू। चले व्यूअर्स, स्टाफ का इंटरव्यू देखने के बाद आइए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। साथ यहाँ के कस्टमर मौजूद है, तो हम कस्टमर से भी पूछते हैं उनको यहाँ का खाना कैसा लगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद वसीम। तो वसीम भाई आपको इधर का फूड कैसा लगा? माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं और खाना तो जायके में माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त का उमदा था, और ख़ास तौर पर तो मुझे ये सिंगर बर्गर तो बहुत ज़्यादा ही मुझे लाइकली बहुत पसंद आया मुझे ये बर्गर। अच्छा तो यहाँ का टेस्ट बिल्कुल यूनिक है जी, और रीज़नेबल प्राइस में भी है काफ़ी? जी प्राइस तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा हाई नहीं है, आम बंदा तो आराम से अफोर्ड कर सकता है, इसे खा सकता है। चलें बहुत शुक्रिया। चलें व्यूअर्स, कस्टमर रिव्यू देखने के बाद आइए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं।
फाइनली अब हमारे पास यहाँ का स्पेशल कोरमा, बीफ कोरमा हमारे पास आ चुका है। और ये इधर का फेमस कोरंगी का फेमस कोरमा है, बच्चिया का कोरमा है ये। और ये काफ़ी इनका 1995 से एक ही टेस्ट एक ही कोरमा चला रहा है बीफ कोरमा। और जो यहाँ पर रश लगा हुआ था वो सिर्फ इसी कोरमे के पीछे लगा हुआ था। ये कोरमा काफ़ी फेमस है अलहर मेन रेस्टोरेंट का, कोरंगी में सिर्फ नाम ही काफ़ी है। अब मैं आप लोगों को ट्राई करके रिव्यू करूँगा, तो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोरमे का जो टेस्ट है वो काफ़ी बेहतरीन, नेक्स्ट लेवल टेस्ट। और इसमें एक आपको अलग टेस्ट आएगा जो कि बिल्कुल आप लोगों को यूनिक, और इनका टेस्ट जो है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इसका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल टेस्ट है। आप लोग आएँ यहाँ पे विजिट करें, आप लोग इनका कोरमा ट्राई करें, आप लोगों को इंशाल्लाह का। तो अभी मैंने आप लोगों को पूरी का टेस्ट करके दिखाया, पूरी से तो काफ़ी बेहतरीन टेस्ट लगा। अभी हमारे पास है तंदूर की रोटी, तो अब मैं आप लोगों को रिव्यू करूँगा इससे ट्राई करके, इसका टेस्ट भी वैसे ही लगता है या कुछ यूनिक आता है। तंदूर की रोटी का भी टेस्ट बिल्कुल यूनिक आ रहा है, लेकिन अलग आ रहा है। लेकिन आप लोगों को जो मज़ा आएगा वो पूरी से ही मज़ा आएगा, और काफ़ी मतलब बेहतरीन लगेगा आप लोगों को। इंशाल्लाह ताला ये कोरमा पसंद आएगा, आप लोग आएँ इधर ट्राई करें, विजिट करें। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे रिव्यू के बाद। आज आप लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने आपको कुरंगी का फेमस कोरमा दिखाया, और हम लोगों ने आपको ट्राई करके रिव्यू भी दिया। और इसी के साथ हम लोगों ने आपको हरमेन रेस्टोरेंट भी दिखाया है जो यहाँ पे ओपन हुआ, न्यू ओपन हुआ था। और आप लोग हमसे अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं आप लोग हमें, या हमसे अपनी कोई प्रमोशन वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, 0335-3842180। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एंड में जो मैंने आप लोगों को कहा था कि स्पेशल अनाउंसमेंट है, स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि आज हम अब हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें जो कोरंगी का फेमस बर्गर है हम लोग आपको वो दिखाएंगे, जो कि आप लोग आज तक किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया होगा, यूट्यूब चैनल ने हो तो वो हम लोग आपको दिखाएंगे, तो वो वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हो जाए। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।